हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड थर्ड का मराठी पाठ क्रमांक 21 प्रदर्शन नुमाइश यानी नुमाइश और एग्जीबिशन। एका म्हणा यानी सुनो और कहो। आमच्या गावात प्रदर्शनी भरले होते यानी हमारे गांव में नुमाइश यानी एग्जीबिशन लगा था। त्यात विविध वस्तु होत्या यानी वहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें थी। आमी संध्याकाळी प्रदर्शन पहायला गेलो यानी हम शाम में नुमाइश यानी एग्जीबिशन देखने को गए। सगड़ी कड़े दिव्यांचा माळा लावल्या होता यानी चारों तरफ दिवे लगे हुए थे। प्रदर्शनात खूब वेगवेगड्या वस्तु होत्या यानी नुमाइश यानी एग्जीबिशन में खूब अलग अलग तरह के चीजें थी। आमी खेड़नी घेतली बगितली यानी हमने वहां पे खूब सारे खिलौने देखे। मला एक बाहुली आवडली यानी मुझे एक गुड़िया पसंद आई। बाहुली खूब ऐटदार होती यानी गुड़िया जो है वो बहुत ऐटदार थी। तीसी कड़ फिरौली की यानी उसकी जो चाबी है फिराने के बाद आवाज एको या ऐसा ट्रिंग ट्रिंग यानी उसमें से आवाज आती थी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मला मजा वाटली मुझे बहुत मजा आई। मी ती बाहुली विकत घेतली यानी मैंने वो गुड़िया खरीद ली। फिरता फिरता बाबांना शेती सी औजारे दाखवली यानी घूमते घूमते अब्बू को खेत में काम करने की औजारे बताई। माहिती सांगितली यानी उसकी जानकारी ली। प्रदर्शन पाहून आम्ही बाहेर पडलो यानी नुमाइश यानी एग्जीबिशन देखने के बाद हम बाहर आ गए। येताना आजोबांसाठी औषधी घेतली यानी हम आते आते दादा दादी के लिए दवाइयां ली। पहा ऐका म्हणा पहा यानी देखो ऐका सुनो म्हणा यानी कहो। खेळणी बाहुली ऐटदार एकने औजारे औषधे संध्याकाळ माळ कळ। अब अगला है प्रदर्शनात कोण कोणत्या वस्तू असता त्यांची नावे सांगा। नुमाइश यानी एग्जीबिशन में कौन कौन से चीजें थी त्यांची नावे सांगा यानी उनके नाम बताओ। अब अगला है प्रदर्शनातील कोणत्याही पांच वस्तूंचे उपयोग सांगा। नुमाइश यानी एग्जीबिशन में कोई पांच वस्तु यानी कोई पांच चीजों के इस्तेमाल यूजेस बताने हैं। अगला है तुम्हाला आवडलेल्या वस्तूंचा अंदाजे किमती सांगा यानी तुम सबको जो चीज अच्छी लगी उनकी कीमत बतानी है अपने अंदाजे से।